हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक स्कैम के बारे में जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। वो स्कैम है ऑनलाइन एजुकेशन स्कैम। पर उसके पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन है क्या, कब स्टार्ट हुई और कुछ पॉजिटिव है इस पे। 2019 में जब कोविड आया तब सारी चीजें बंद हो गई, पर बोलते हैं ना, जहां चाह है वहीं पे राह है। तो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोचिंग और इंस्टीट्यूट ने एक तरीका निकाला, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। 1, 2 या 30 बच्चों की क्लास को नहीं, बल्कि पूरे पूरे स्कूल को या पूरे पूरे एक बैच को, जैसे कि पूरी क्लास 3 के बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे एक ही टीचर से। तो ऐसे शुरुआत हुई ऑनलाइन एजुकेशन की। तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिल पा रही थी क्योंकि इंटरनेट भी फ्री था और मोदी जी तो स्मार्टफोन प्रोवाइड कर ही रहे थे। और देखते ही देखते ऑनलाइन एजुकेशन हैज बीन अ पार्ट ऑफ अ होल वर्ल्ड एंड होल इंडिया ऑल्सो। बट इसके पता है जितने जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट है उससे भी कई ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। अब कोविड तो चला गया और स्कूल्स और कॉलेज भी खुल गए, पर पता है रह कौन गए? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो माला माल हो गए थे ऑनलाइन कोचिंग के वजह से। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना स्कैम। आइए जानते हैं कि क्या हुआ उस स्कैम में और कैसे सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे उस ट्रैप में अभी तक फंसे हुए हैं और पता नहीं उससे निकलना पाना कितना नामुमकिन है। ऑनलाइन कोचिंग के लिए फोन आता है, वो कॉल करते हैं बच्चों को उसे ज्वाइन करने के लिए। तो वो पेरेंट्स को हर एक स्कीम बताते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उस बच्चे की और उस परिवार की हर एक जानकारी न जाने कहां से कलेक्ट कर लेते हैं। और तब स्टार्ट होता है स्कैम का पहला पार्ट। जी हाँ, वो पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो फीस कैसे पे कर सकते हैं, या तो एनुअली या तो फिर इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। और जब पेरेंट्स इंस्टॉलमेंट के लिए ले लेते हैं तो वो उन्हें लालच देते हैं स्कॉलरशिप का कि आप ये कोचिंग ज्वाइन करो, आपके बच्चे की स्कॉलरशिप लगेगी और आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। पर ऐसा तो होता ही नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर लाखों का लोन आ जाता है और ये न्यूज बहुत चल रही है। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके ऊपर इतना बड़ा लोन भी है, वो भी एजुकेशन लोन सिविक इंस्टीट्यूट के नाम पे। ये शुरुआत होती है स्कैम की और इसमें सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे फंसे हुए हैं। और जब कोई अवेयर पेरेंट्स उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने को मना करता है तो वो उन बच्चों को और पेरेंट्स को डिमोटिवेट करने लगते हैं कि आपके बच्चे का तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो फलाना तो ढिमकाना। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया। तो क्या समझ में आया आपको इस ऑनलाइन स्कैम के बारे में? आप अगर अवेयर हुए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे पेरेंट्स और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी लोग इससे अवेयर हों। थैंक यू।